साथियों, सिकंदराबाद में, हैदराबाद में उद्योगों के लिए और बेहतर माहौल बने, इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। रेलवे और नेशनल हाईवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसी तरह हमारा प्रयास है कि हैदराबाद की मेट्रो का विस्तार दिल्ली मेट्रो की तरह हो, तेज गति से हो। लेकिन समस्या क्या है ये आप भली भांति जानते हैं। यहां जो सरकार चला रहे हैं उनका ध्यान आपके विकास पर नहीं, अपने वंश और वोट बैंक के विकास पर ही उनका ध्यान केंद्रित हुआ है। या तो वोट बैंक को मजबूत करने के काम करेंगे, या तो अपने वंश के दूर दूर के रिश्तेदारों को भी मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अगर यही होगा तो तेलंगाना मजबूत होगा क्या? आप सब मजबूत होंगे क्या? आपका भाग्य बदलेगा क्या? आपके सपने पूरे होंगे क्या? भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों में मूसी नदी के एक तरफ तो विकास दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद की स्थिति जस की तस है। वहां न गलियां सुधरती हैं और न ही नालियां सुधरती। केंद्र सरकार हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की मेट्रो को ओल्ड हैदराबाद में भी गति देना चाहती है, लेकिन वहां मजलिस नाम का एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। उनको विकास की भाषा समझ ही नहीं आती। वो तो दिन रात सोते जागते सिर्फ उनको मोदी याद रहता है। ये चौकीदार उनको रात को सोने नहीं देता है।